खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। वार्ड क्रमांक 14 की जनता के लोकप्रिय पार्षद सलीम कबाड़ी है। यह वार्ड पूरी तरह सभी वर्ग के लोग यहां पर रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं बोरा समाज के लोग भाईचारे के साथ में रहते हैं, जिसमें सलीम कबाड़ी के द्वारा वार्ड में विकास कार्यों की विकास गंगा बहाई है। जैसे कि 1 करोड़ की लागत से चनका कुआ के पास कम्युनिटी हॉल बनवाया, वहीं कब्रिस्तान में बाउंड्री वॉल एवं फर्श निर्माण कार्य करवाया। वहीं उनके द्वारा डकर बॉडी गली में भव्य उर्दू स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं पार्षद के द्वारा अंडा गली में नाले एवं सड़क निर्माण कार्य करवाया गया। वार्ड क्रमांक 14 में करीब 8,000 लोग निवास करते हैं। वहां के लोकप्रिय पार्षद के रूप में जाने जाते हैं। ये हर वर्ग के लोगों की मदद करते हैं, जिसके कारण ये कई बार विजय हुए हैं। यहीं इनकी छवि देखी गई। वार्ड वासियों ने बताया कि सलीम भाई हमारी मदद के लिए रात दिन तैयार रहते हैं। सलीम भाई मुस्लिम होने के बाद भी शाही सवारी मंच बनाकर बाबा महाकाल को साफा बांधकर पूजा अर्चना का प्रसाद वितरण करवाते हैं। वहीं आपने बताया कि भगवान और पूजा एक ही है, पर लोगों ने अलग अलग बांट दिया है। मेरे लिए तो कर्म ही पूजा है, जिनके लिए हर वर्ग हर समाज के व्यक्ति सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। काम अच्छा करा था। क्या क्या काम करते हैं? नाली वगैरह, गटर वगैरह, जाली साफ करो, जाली लगो, सफाई वगैरह, फॉर्स वगैरह। अच्छा, गाड़ी आती कि नहीं? करती थी गाड़ी आती। लाइट बिल के बारे में आपको? बिल तो होते जाए मैं आते बिल भरते जाएंगे बस। अच्छा, लॉकडाउन में हमने कुछ बढ़िया काम और कुछ इस वार्ड में कोई दिक्कत नहीं है? खड़े खड़े काम करवाते हैं हमारे सलीम भाई कबाड़ी साहब। क्या क्या काम करवाए हमने? उन्होंने रात बहुत अच्छी, यहाँ से वहाँ तक नाले आ जाते हैं बाहर, एक मोड़ पे नाले रात दिन आ जाते थे नाले, उन्होंने सही करवाया यहाँ से वहाँ तक। अच्छा, कोरोना काल में कुछ सेवाएं वगैरह दी हैं गरीबों? उन्होंने बहुत करवाई है, गरीबों के लिए सेवा करी है, गरीबों की बहुत मदद। अच्छा, राशन वगैरह प्रदान करा है? बिल्कुल कराया था। बाकी हमारे कलेक्टर साहब, मैं बहुत बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ आपके माध्यम से कि जब से वो आए हैं शहर में अच्छे काम हुए हैं। कमिश्नर साहब और नगर निगम ये भी बहुत तवज्जा देकर काम कर रहे हैं। कमिश्नर साहब जब से आए यहाँ पर, सबसे बड़ा मैं कोई डर वाली बात नहीं है कि हमारा जो हॉस्पिटल है IT GID इस कदर की खराबी थी कि लोगों को धुतकार देते थे, लोगों से कहते थे कि मैं निपटा दूंगा। बाकी इन दोनों कलेक्टर का शुक्रगुजार हूँ, तो दुआ करता हूँ उस ठाकुर के लिए कि ईश्वर उसको उन्नति दे, तो उसने यहाँ के सुधारा। जब से IT GID में आज लोग जाने के बाद में खुश हैं और अच्छे हो रहे हैं, नहीं तो उससे पहले इतनी खराब हालत थी कि लोग वहाँ से जाने में डरते थे। सिंधिया जी देखो साहब, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुझे हैं हिंदुस्तान मदद पार। उज्जैन से भूपेंद्र छापरवाल की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।